भारत और रशिया के बीच जो हर साल एनुअल समिट होता है, जिसके लिए एक साल रशियन प्रेसिडेंट भारत आया करते हैं और दूसरे साल हमारे प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं, ये साल 2000 से ही चलते आ रहा था, जिसने भारत और रशिया के संबंधों को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान की थी। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते, हथियारों की डील्स और नेगोशिएशंस होती थी। पिछले साल ये मीटिंग 20 सालों में पहली बार कैंसिल हुई थी और अब इस साल भी अगस्त का महीना आ गया है और इसके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि भारत और रशिया के संबंधों में थोड़ी बहुत दरार तो जरूर पैदा हो गई है। कुछ लोग भारत में इस चीज का गिल्ट भी लेकर बैठे हैं कि हमारे अमेरिका के करीब जाने की वजह से या रशिया के अलावा बाकी देशों से हथियार खरीदने से ही रशिया भारत से दूर जाते जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत और रशिया की दूरियों में जितना हाथ भारत का है उसे कई ज्यादा रशिया का है। साल 2018 में उसने भारत के लाख मना करने पर भी पाकिस्तान को 4 Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए। फिर उसके बाद भारत पर अमेरिका और वेस्टर्न देशों का इन्फ्लुएंस बढ़ने का आरोप लगाया, क्वाड का विरोध किया, भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर सवाल उठाए। इसी साल कुछ महीने पहले पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान किया और अब रिसेंटली अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी रशिया भारत को दूध में मक्खी की तरह बाहर निकालने के चक्कर में है, जबकि रशिया भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलता है। इस बार भी रशिया ने कुछ ऐसा ही काम किया है जिससे दोनों देशों के बीच जो एक दरार पैदा हो गई है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये गलती रशिया ने पहली बार की है या ये चीज उसे अनजाने में हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये गलती उसने रिपीट की है। दरअसल रशिया से खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ने अफगानिस्तान को लेकर एक मीटिंग करने का फैसला किया है, जो कि कतर की राजधानी दोहा में इसी महीने की 11 तारीख यानी 11 अगस्त को आयोजित करने का फैसला किया है। रशिया द्वारा आयोजित इस मीटिंग को एक्सटेंडेड ट्रायो का नाम दिया गया है, जिसमें भारत को इन्वाइट यानी आमंत्रित नहीं किया गया है। रशिया की तरफ से मीटिंग में शामिल होने को अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना को इन्वाइट किया गया है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर भारत पिछले काफी समय से बेहद प्रोएक्टिव होकर काम कर रहा है। हमारे जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की भी रिसेंटली अफगानिस्तान में हत्या की गई थी, हमारी कई बिलियन डॉलर्स की वहां पर इन्वेस्टमेंट भी है। रशिया ने यह हरकत वैसे पहली बार नहीं की है, उसने मार्च 18 और अप्रैल 30 को भी इसी तरह की एक मीटिंग की थी, उसमें भी रशिया ने भारत को बाहर रखा था, जिसके बाद रशिया की भारतीय मीडिया में काफी आलोचना हुई थी, जिस पर फिर रशिया को सफाई भी पेश करनी पड़ी थी और उसने कहा था कि भारत को आगे इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए ये माना जा रहा था कि रशिया अफगानिस्तान को लेकर जब भी नेक्स्ट मीटिंग करेगा तो वो भारत को जरूर इंक्लूड करेगा, यानी भारत को जरूर इनवाइट करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा और रशिया ने एक बार फिर भारत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो रशिया ने भारत को साफ कह दिया था कि तालिबान के खिलाफ जाकर वो भारत की कोई भी मदद नहीं करेगा, तालिबान एक रियलिटी है जिसको भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपना रोल खुद ही डिसाइड करना चाहिए, यानी एक तरफ से क्लियर इशारा था कि अब भारत को भी तालिबानियों के साथ सांठगांठ कर लेनी चाहिए। रशिया के इस कदम के बाद भारत अब अफगानिस्तान को लेकर आगे क्या पॉलिसी अपनाता है, या फिर आलोचना होने के बाद क्या रशिया 11 तारीख से पहले भारत को इनवाइट करता है, ये चीज देखने वाली होगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही निकल कर आ रही है कि रशिया ने एक बार फिर से भारत को एक की और डिसाइडिंग मीटिंग से बाहर रखा है। रशिया के इस बिहेवियर के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।